आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 28 फरवरी 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। 187 वर्षों के बाद मंदिर के गर्भगृह के अंदर की दीवारों पर सोने की परतें चढ़ाई गई हैं। स्वर्ण परतों के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर की पीली रोशनी हर किसी को सम्मोहित कर रही है। मंदिर में गर्भगृह को सोने से स्वर्णमंडित कराने का काम लगभग पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण भारत के एक श्रद्धालु ने अपना नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर गर्भगृह में सोना मढ़वाया है। गुप्त दान करने वाला ये शख्स पीएम मोदी से काफी प्रभावित बताया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि श्रद्धालु ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के वजन के बराबर सोना दान किया है। महाशिवरात्रि से पहले विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह स्वर्णजड़ित हो गया है। हिट एंड रन मामले में मौत पर अब परिजनों को 8 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। मुआवजा 1 अप्रैल से 8 गुना बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। नए नियमों के मुताबिक हिट एंड रन में घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी 12,500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि योजना का नाम हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा 2022 होगा। यह 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। 1 अप्रैल से यह क्षतिपूर्ति योजना 1989 का स्थान लेगी। सरकार मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाएगी, जिसका इस्तेमाल हिट एंड रन एक्सीडेंट के मामले में मुआवजा देने और घायलों के इलाज के लिए किया जाएगा। नए नियम के मुताबिक दावा निपटान आयुक्त जांच रिपोर्ट मिलने के 15 दिनों के भीतर क्लेम मंजूर करेगा। पीड़ित और उसके परिवार वालों के बैंक खातों में मुआवजे की राशि 3 महीने के भीतर पहुंचा दी जाएगी। सरकार के अनुसार पीड़ित परिवार को तत्काल मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे मुआवजा देने में किसी भी तरह की कोई रुकावट न आए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन यौन कर्मियों की पहचान की प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया जिनके पास पहचान प्रमाण नहीं है और जो राशन से वंचित हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने कहा कि राज्यों द्वारा स्टेटस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं वे असली नहीं हैं और उन्हें आदेशों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन अर्थात नाको की सूची पर भरोसा किए बिना समुदाय आधारित संगठनों से परामर्श करने के प्रयास करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश पहचान प्रमाण पर जोर दिए बिना सूखा राशन देना जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राशन कार्ड के अलावा राज्य नाको द्वारा पहचाने गए सेक्स वर्कर्स और सत्यापन के बाद समुदाय आधारित आयोजनों को वोटर कार्ड जारी करने के लिए भी कदम उठाएंगे। कोर्ट ने राज्यों को 3 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा। यूक्रेन में दिन ब दिन बिगड़ते हालात के बीच वहां फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द निकलवाने के लिए सभी पार्टियों के सांसद अलग अलग तरह से कोशिश कर रहे हैं। सभी सियासी दलों के लोकसभा और राज्यसभा मेंबर अपने अपने इलाके के ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाकर विदेश मंत्रालय भिजवा रहे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस बीच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इन सांसदों की ऑफिशियल ईमेल आईडी को ऑटो रिप्लाई पर डाल दिया है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के इस रवैये से सांसद बेहद नाराज हैं। पंजाब में अमृतसर से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य गुरजीत सिंह औजला ने विदेश मंत्रालय के इस फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया कि अगर प्रधानमंत्री ऑफिस और विदेश मंत्रालय के अफसर जनता की ओर से चुने गए सांसदों के संपर्क में ही नहीं हैं, तो फिर वह यूक्रेन में फंसे बच्चों के संपर्क में कैसे हो सकते हैं। 2 नए अध्ययनों से यह संकेत मिलते हैं कि कोविड-19 का कारक सार्स कोवी-2 वायरस की उत्पत्ति वुहान के हुआनान सीफूड मार्केट में जानवरों में हुई और 2019 के अंत में इसका प्रसार इंसानों में हुआ।
पहला अध्ययन में यह दिखाने के लिए स्थानिक विश्लेषण का उपयोग किया गया कि दिसंबर 2019 में सबसे शुरू में कोविड 19 के जिन मामलों का उपचार किया गया वे वुहान के बाजार पर केंद्रित थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले पर्यावरणीय नमूने जीवित जानवरों को बेचने वाले विक्रेताओं से दृढ़ता से जुड़े थे। अमेरिका स्थित एरिजोना विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर माइकल वोरोबे ने ट्वीट किया, हमने दिसंबर 2019 में लक्षण की शुरुआत के साथ वुहान से अधिकांश ज्ञात कोविड 19 मामलों के लिए अक्षांश और देशांतर निकालने के लिए SARS-CoV-2 की उत्पत्ति पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मिशन की रिपोर्ट में मानचित्रों का उपयोग किया। दोनों ही शोध पत्रों के लेखक वोरोबे ने कहा, हमने पाया कि दिसंबर में मामले हुआनान बाजार के करीब और अधिक केंद्रित थे जितना की उम्मीद की जा सकती थी, इसका केंद्र बाजार में था। एक दूसरे अध्ययन में पाया गया कि दो प्रमुख वायरल वंशावली कम से कम दो घटनाओं की परिणाम थीं जिनमें वायरस जानवरों से मनुष्य में आया। शोधकर्ताओं ने कहा कि पहला संचरण सबसे अधिक नवंबर के अंत या दिसंबर 2019 की शुरुआत में हुआ था और दूसरी वंशावली संभवतः पहली घटना के हफ्तों के अंदर आ गई। यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रमण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक विशेष आपात सत्र बुलाने के लिए सुरक्षा परिषद UNSC में हुए मतदान में भारत के भाग नहीं लेने को लेकर कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने सोमवार को केंद्र की आलोचना की। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं की। वहीं तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई को युद्ध कहने से इनकार करने को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। बढ़ती महंगाई में अब दूध भी कूद गया है। अमूल दूध अब ग्राहकों को महंगे भाव में खरीदना होगा। देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल ने अपने दूध के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने अपने यहां बिकने वाले दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अमूल ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। दूध की बढ़ी हुई कीमतें 1 मार्च यानी मंगलवार से लागू होंगी। अब ग्राहकों को आधा लीटर अमूल गोल्ड के लिए 30 रुपए, अमूल ताजा के लिए 24 रुपए और अमूल शक्ति के लिए 27 रुपए देने होंगे। रूसी सेना पिछले 3 दिनों से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश कर रही है। यूक्रेनी सेना की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई ने रूसी सैनिकों को शहर के बाहरी इलाकों में रोक रखा है। इस बीच रूसी सेना की मिसाइलों ने कीव में रेडियोएक्टिव वेस्ट डिपॉजिट साइट पर मिसाइलें दागी हैं। इससे पूरे शहर में परमाणु विकिरण फैलने का खतरा बढ़ गया है। इससे पहले भी रूसी सेना पर चेर्नोबिल और खारकीव में रेडियोएक्टिव वेस्ट डिपॉजिट साइटों को निशाना बनाने का आरोप लग चुका है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी पुष्टि की है कि रूसी मिसाइलों के हमले में कीव में रेडियोधर्मी कचरा निपटान स्थल बर्बाद हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के न्यूक्लियर वॉचडॉग ने कहा कि उन्हें यूक्रेन के अधिकारियों ने रविवार देर रात इस हमले की जानकारी दी है। इन हमलों की प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के लीक होने के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन भविष्य में खतरा बरकरार है। ऐसे में एजेंसी के अधिकारी इस साइट के आसपास के इलाकों में रेडिएशन लेवल को लगातार माप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए दावा किया कि उसकी कथनी और करनी में अंतर है तथा उसके आंकड़े किताबी हैं। खेड़ा ने यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यूक्रेन में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से 1173 लोग केवल उत्तर प्रदेश से हैं। उनके मुताबिक भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय पोलैंड की सीमा पर जाएं, वहां से उन्हें भारत ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब लोग पोलैंड की सीमा पर पहुंचे तो दूतावास में फोन ही नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा यह कितना हास्यास्पद है कि जिस सरकार को अपने बच्चों और नागरिकों की फ्रिक न हो वह विश्व गुरु बनने का सपना देख रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष बैठक की है। इसके मुताबिक 4 मंत्रियों को यूक्रेन बॉर्डर से लगे 5 देशों में भेजा जाएगा। शुरुआती जानकारी के अनुसार हरदीप सिंह पुरी को हंगरी, किरण रिजिजू को स्लोवाकिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मॉल्डोवा, जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा जा रहा है।
केंद्र सरकार ने फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए एक वैकल्पिक रेल रूट की पहचान की है। यह रेल रूट पश्चिमी यूक्रेन के उझोरोड से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट तक जाता है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और उनके परिजन को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि भले ही आप मंगल ग्रह पर भी फंसे होंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार की यही सोच है। प्रधानमंत्री को सोच दूरदर्शी है, यही कारण है कि उन्होंने भारत के 4 मंत्रियों को यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में भेजने का निर्णय किया है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 28 फरवरी 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 1 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।